नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे पास आ रहा है कॉमन एरर्स पार्ट थर्ड। और जैसा कि आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप इन सारे क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पर नोट कर लिया करें और वीडियो को पॉज करके, और फिर सबसे पहले आप खुद ही अपना एरर देख लिया करो क्या एरर है, और फिर हमारे इस वीडियो को देखें तो ये बहुत हेल्पफुल होंगे। और याद रखिएगा, कॉमन एरर्स में अच्छा स्कोर करने के लिए रूल्स पढ़ने के बजाय आप प्रैक्टिस करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 hours have passed, ए पार्ट। सिंस बी पार्ट, ही हैड फॉलन एस्लीप, सी पार्ट और डी है नो एरर। एक रूल कहता है अगर सेंटेंस में सिंस आता है तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होता है। पहले पार्ट में हैज या प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और अगला सेकंड फॉर्म आती है, तो यहां पर हैड फॉलन नहीं होगा, सेकंड फॉर्म आएगा, फेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स ए पार्ट, हु हैज वॉन एक्लेम बी पार्ट, द वर्ल्ड ओवर सी पार्ट और अगला है। तो देखिए यहां पर ही इज वन ऑफ दोज राइटर, यहां पर आर है, ही इज वन ऑफ दोज राइटर हु हैज, और सॉरी थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंट है, आप यहां पर राइटर्स कर लें, डब्ल्यू आर आई टी आर एस राइटर्स। अब सेंटेंस आपका है, ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स ए पार्ट है, हु हैज वन क्लेम बी पार्ट है। अब देखिए यहां पर रूल क्या है। रूल दोस्तों यह है कि अगर सेंटेंस में कहीं पर डब्ल्यू वर्ड आता है, हु व्हाट व्हिच वेयर दैट, तो इसके बाद वर्ब कैसी आएगी ये डिपेंड करता है इसके पहले का वर्ड कैसा होता है। राइटर्स यहां पर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, यहां पर हैज नहीं होगा, हैव होगा। आंसर बी। थर्ड नंबर, द मैसन विल नॉट ए पार्ट, मैसन मींस होता है मिस्त्री या राज, द मैसन विल नॉट डू द वर्क बी पार्ट, एक्सेप्ट गिव द ऑर्डर सी पार्ट और अगला डी नो एरर। बच्चों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद जीरंड आता है, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आता है। तो याद रखिएगा, एक्सेप्ट के बाद हमेशा जीरंड आता है, यहां पर गिव नहीं होगा, गिविंग हो जाएगा, जी आई वी आई जी, गिविंग द ऑर्डर, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्कार्सली हैड आई रीच द एयरपोर्ट, ए पार्ट हो गया, नर्वस एंड टेंस देन द प्लेन टुक ऑफ बी पार्ट हो गया, लीविंग मी एन एलियन मतलब अपरिचित प्लेस पर सी हो गया और अगला नो एरर। तो दोस्तों यहां पर एक रूल सीखते हैं कि अगर सेंटेंस में स्कार्सली आता है, हार्डली आता है, तो सेंटेंस आपका पास परफेक्ट का होता है, इसलिए आपका इसमें हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता, दूसरे सेकंड फॉर्म आती। दूसरी बात याद रखिएगा, स्कार्सली या हार्डली के साथ देन नहीं आता है, हमेशा वेन आता है, तो यहां पर वेन होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई हैव ए पार्ट, सीन हर ओनली वंस बी पार्ट, बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट सी पार्ट और डी आपका नो एरर। तो दोस्तों यहां पर एक रूल है कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं होता है, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है, जैसे लव है, लाइक है, अपीयर है, सी है, बिलोंग है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट रहती हैं। तो यहां पर एम लाइक ही नहीं होगा, यहां पर सिर्फ हो जाएगा आई लाइक हर अलॉट, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई टोल्ड हिम ए पार्ट है, दैट आई एंजॉयड वेरी मच बी पार्ट है, अलॉट एट द पार्टी सी है और डी नो एरर। यहां पर एक रूल है, कुछ ऐसी ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं जैसे इंजॉय है, अवेल है, अब्सेंट है, रिजाइन है, जिनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं। यहां पर इंजॉय आया हुआ, रिफ्लेक्सिव आएगा, और रिफ्लेक्सिव किसका लगाते हैं, आगे जो हमारा प्रोनाउन होता है, तो आई का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, तो यहां पर हो जाएगा आई एंजॉयड माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जॉन इज वर्किंग, और हाँ इसका आंसर हो जाएगा बी, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली ए पार्ट, एज एग्जामिनेशंस बी पार्ट,
आर फास्ट अप्रोचिंग, तेजी से पास आ रहे हैं, सी और डी हो गया नो एरर। यहां पर देखिए रूल क्या है, जॉन इज वर्किंग वेरी हार्डली, देखिए यहां पर हार्डली लिखा हुआ है, याद रखिएगा जहां पर हमें काम हमें लिखना हो वर्किंग हार्ड, कठिनाई से काम करना, तो बच्चों हार्ड कठिन होता है और कठिनाई से के लिए हार्डली नहीं करते, क्योंकि हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है, तो यहां पर हार्डली नहीं होगा, सिर्फ हार्ड होगा, क्योंकि हार्डली तब लगाते हैं जब मुश्किल से कहना हो, तो याद रखिएगा हार्ड एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, जहां पर हमें कठिनाई से काम करने से वर्किंग हार्डली नहीं होता, वर्किंग हार्ड होता है। और हार्डली कब लगाते हैं, जैसे आई हैड हार्डली रीच्ड होम, मैं उसके से घर पहुंचा ही था, तो वहां पर लगाते हैं हार्डली, और जब उसका साथ है आपका, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहां पे ई होगा। अगला द फायरमैन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फायरमैन वोर ए पार्ट हो गया, इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग बी पार्ट हो गया, फायर प्रोटेक्शन सी हो गया, और अगला नो एरर। अब देखिए फायरमैन जो आग बुझाते हैं, तो आग बुझाने वाले कैसे कपड़े पहनेंगे, इनफ्लेमेबल मतलब होता है ज्वलनशील, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो भैया क्या प्रोटेक्शन के लिए कोई ज्वलनशील कपड़े पहनेंगे, गलत हो जाएगा ना, वो कपड़े पहनेंगे न जलने वाले, तो यहां पर हमारा इनफ्लेमेबल नहीं होगा, यहां पर होना चाहिए नॉन इनफ्लेमेबल, तो जाएगा फायरमैन वोर नॉन इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग, यानी कि आग न पकड़ने वाले कपड़े पहनते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन, बिसाइड फूड ए पार्ट, द पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री होता है, कैरीड बी पार्ट, सब मेडिसिंस सी पार्ट, और अगला है नो एरर। अब देखिए यहां पर कह रहा है भोजन के अतिरिक्त पिलग्रिम्स कुछ मेडिसिन भी ले गए थे, तो जहां पर देखिए एक बिसाइड होता है और एक बिसाइड होता है, बिसाइड होता है के निकट, और बिसाइड के निकट के अतिरिक्त होता है, यहां पर भोजन के अतिरिक्त की बात हो रही है, तो बिसाइड नहीं लगाएंगे, बिसाइड करेंगे, आंसर हो जाएगा आपका ये पार्ट। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्ड ए पार्ट टू राइट अ फॉरवर्ड बी पार्ट टू द बुक सी पार्ट, और अगला डी नो एरर। देखिए फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, और एक होता है फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड का मतलब होता है मैसेज, तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहीं जाते हैं, किसी पॉपुलर जगह पर जाते हैं, किसी हिस्टोरिकल जगह पर जाते हैं, तो वहां पर एक पुस्तिका रखी होती है, उसे संदेश पुस्तिका बोलते हैं, तो उसमें जो संदेश लिखा जाता है तो वो फॉरवर्ड कहलाता है, फॉरवर्ड नहीं कहलाता, यहां पर आपका फॉरवर्ड के रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड से, सॉरी फॉरवर्ड को रिप्लेस करेंगे फॉरवर्ड से, आंसर हो जाएगा हमारा बी। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स, प्रैक्टिस करते रहिएगा और अपने आप को कूल रखिएगा इम्प्रूव करने में अपना कॉमन एरर्स, जो शायद आपके लिए अभी तक बहुत मुश्किल था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस आई एम ट्राइंग टू मेक योर द पोर्शन ऑफ कॉमन एरर्स वेरी इजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।